नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रतिशत का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट में हमने जाना था परसेंटेज का बेसिक, और आज हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप। अगर इसमें हम देखते हैं, हम तीन टाइप पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये हमारा चौथा टाइप है। हम चौथे टाइप को देखते हैं। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन जो लिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, और इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत सिंपल लिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसने कहा है चीनी का मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो वो कह रहा कितना कम करना होगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, 20% जो है, तो 20% किसकी वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है ना। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, क्या करेंगे कि 20% 20/120। अब अपन को क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 100। इसमें क्या है, दो जीरो से एक जीरो से एक जीरो ये कट रहा है, दो से इसको काटा तो जी कटेगा कितनी बार, 6 बार, और दो से काटा 3 बार, और दो से काटा तो जाएगा 50 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50/3, अब 3 का इसमें डिवाइड दिया तो जी आ जाएगा 16/2/3%। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। हम इस प्रकार से सवाल को करेंगे। अगर आप एक रूल है, अगर उसको आप याद रख सको तो आप इसको याद रख सकते हो, एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। जब भी आपको इस तरीके के इस बेस्ट क्वेश्चन जो मिलते हैं आप इससे भी निकाल सकते हो। अगर पहले वो वृद्धि कहता है, अगर यहाँ वृद्धि देता है तो हमें प्लस करना है, अगर यहाँ कमी करता है तो हमें यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। ये क्वेश्चन क्या है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में 20% की वृद्धि थी, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 10% की। तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े, तो कितने परसेंट की कटौती करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जैसे 10% है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10 की, तो 110% इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 का इसमें जैसे अपन डिवाइड देंगे तो हो जाएगा ये 11 11 99, मतलब 9/1/11%। तो जो आंसर जो निकल के आया वो हमारा निकल के आया ए आंसर। ठीक, इसके अकॉर्डिंग में बहुत सारे सवालों को करते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, आप देखिएगा इस सवाल में क्या है, इस सवाल में है वेतन में कितने प्रतिशत की कमी। तो वेतन में देखो, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी। अब यहाँ अगर हम सोचें कि यहाँ कमी दे दिया तो कमी हम कर दें, अगर हम सोचें कि 100% है तो 100% में से कमी किया तो 80 हो गया, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। उसने ये कहा है, जो पिछली वाली जो भाषा है वो उसने पहले लिख दी है, क्या बोला, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी। मतलब 20% क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 120 इंटू हो जाएगा 100। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था उसी तरीके से है, तो हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16/2/3%। ठीक है ना, प्रत्येक सवाल में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप इस सवाल को कर सकते हो, करिए आप इस सवाल को, और साथ में ही आप करते रहें और नोट भी करते रहें। देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है, 10% की। तो कमी की जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 10% है तो 10%, अब इसमें कमी उसने दी है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 90। तो 100 का अगर
परसेंट में वृद्धि होती है तो 100 में प्लस कर देंगे, और कमी होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 0 से 0 कैंसिल, 9 का इसमें डिवाइड दिया तो आ जाएगा ये 11 सही 1/9%। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कभी कभी ये पूछ लेता है वो कि प्रतिशत की जगह पर वो कह देगा इसका भाग बताइए, कभी कभी पूछ लेगा ये कि इसका भाग बताइए, प्रतिशत की जगह पे भाग पूछ लेगा। तो भाग पूछ लेगा तो आप इसका जो आंसर दोगे तो आप क्या दोगे इसका आंसर, तो आप आंसर दोगे 1/9 भाग, मतलब इसके ये किसके बराबर में है, 1/9 भाग के बराबर में है। तो अगर वो कभी भाग पूछ ले तो वो उसका आप 1/9 भाग दे देंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है तो खपत में कितने, अब देखो इसमें क्या कर दिया उसने, भाग कर दिया, अब उसने भाग पूछ लिया है तो कितना भाग कम करना होगा ताकि खर्च पूर्वत रहे। देखो जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूँ तो किसी न किसी सवाल में कोई ना कोई अंतर आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर मिलेगा। हम इसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे, और अगर हम ये थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आते हैं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो बाद में जब हम पेपर हॉल में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें ये क्वेश्चन किया तो था, और उस समय हमारा क्या क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन बातों पर हम जरूर ध्यान दें। तो 50% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 50 नीचे क्या आ जाएगा, 150 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 50 से ये कट रहा है, कितनी बार कटा, 3 बार, तो 3 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो हमारा ये आ गया, कितना आ गया ये, 33 सही 1/3। अब ये किस भाग के बराबर होता है, तो इसमें अपन कर देंगे 1/3 भाग के बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 1/3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन करिए आप लोग करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, आप साथ में डॉट और रजिस्टर को साथ में रखें। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसको बढ़ाकर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु की कीमत में कितनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। तो देखो पहले जो वस्तु थी पूर्व में वो थी 6 रुपये किलो, अब कितने हो गई है, ये हो गई 7.5 रुपये किलो, मतलब दोनों में जो अंतर आया, डिफरेंस आया, वो कितने का आया, वो आया 1.5 रुपये का। अब 1.5 रुपये का डिफरेंस आया, अब जो हमारा जो वैल्यू बना वो कौन सा वैल्यू बना, जो बना हमारा 7.5, तो 7.5 पर तो हमारा यही वैल्यू रहेगी फिर इसके, तो क्या हो जाएगा 1.50 upon 7.50 इंटू परसेंटेज निकालना है तो 00, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, है ना, अब इसको 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, 5 से 100 कैंसिल, तो 5 2 10, मतलब हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो निकल के आ गया कितना, 20%। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध का मूल्य 20% बढ़ गया तो दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध का खर्च पूर्ववत रहे। तो 20% बढ़ गया तो सीधा सीधा हम इसका आंसर कैसा लगा देंगे, 16 सही 2/3, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, ठीक है ना, तो हम कर चुके हैं तो हम इसको क्या लगा देंगे, 16 सही 2/3 लगा देंगे, ठीक है ना, कि हम अगर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 20 upon 120 into 100, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसने कहा एक संख्या को एक्स परसेंट बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, एक्स परसेंट, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट घटाना होगा, इसको आरंभिक संख्या प्राप्त करनी है तो हमें इसको कितने परसेंट घटाना होगा, हम इसको देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे अभी जो फॉर्मूला है क्या है, अभी रूल बताया था कि एक्स अपॉन 100, अभी बताया था प्लस माइनस एक्स इंटू 100,
ठीक है ना। अगर इसमें प्लस का है बढ़ा दिया गया है तो यह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक्स अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स, ये वाला रूल आ जाएगा इसमें, ठीक है, परसेंट रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं, इसमें इसमें ये हंड्रेड है, हंड्रेड का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी हंड्रेड एक्स अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स परसेंट, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर यहाँ एक जीरो बढ़ा लो और यहाँ एक कर दो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर। इसको आप सही कर लेना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट साथ में करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप फोर, हम पढ़ चुके हैं, अब हम टाइप फाइव पढ़ते हैं। तो टाइप फाइव में हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई एग्जामों में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, एयरफोर्स में भी कई बार ये पूछा गया है और इसमें रेलवे में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मान इसको हम क्या कर देंगे, 25% को हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं मतलब कितना रह गया, 75 रह गया, इनटू कितना हो जाएगा 100, तो 25 तीस 75 और 3 का इसमें जैसे अपन भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको साथ में ही नोट कर लो, है ना, साथ में नोट करते रहना, हम आगे के भी क्वेश्चन देखते हैं। हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स की आय बाई, एक्स की आय बाई से 20% क्या है अधिक है, उसने बोला एक्स की आय बाई से 20% अधिक है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो 20% अधिक है तो 20/120 जो हम कर चुके हैं पहले इंटू 100, तो इसका तो आंसर हमें पहले से अब रट सा गया है इसका आंसर, तो कितना कर देंगे अपन 16 सही 2/3% आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें क्या कहा गया है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, जो पी है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना अगर अपन इसको इक्वल में करेंगे, अगर अपन बराबर में करेंगे तो 6 अपन क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे अपन 1, क्योंकि बराबर कर रहे हैं ना, तो पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो पी बड़ा है क्यू से, तो जब अपन इक्वल करेंगे तो 1 रेशियो कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगा। अगर क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, क्यू जो क्यू है वो पी से कितना प्रतिशत छोटा है, अब उसने प्रतिशत का पूछा है, ये कितना छोटा है, ये छोटा है कितना 5, अब ये कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 100, इसको सॉल्व कर दो तो 2 से काट दो, 2 × 3 = 6 और 200 काटा तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 और 50 कितना हो जाएगा 25, मतलब 250/3 और 3 का इसमें भाग दे दो 63 = 24 और 3 × 3 = 9 1/1/3%, तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 83 सही 1/3%, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसको नोट कर लें साथ में ही, साथ में नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 40% क्या है कम, तो 60 हो गया, 40% कम है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब 40/ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 100, इसको सॉल्व कर दो 2 से 20 से काट दो, 2 बार गया और ये कितनी बार गया 3 बार, तो ये हो जाएगा 200, इनका मल्टीप्लाई 200/3, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 66.66% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। 25% अधिक दिया है तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, 20% कम आ जाएगा आंसर, हमें इसके सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। इसमें कहा ए जो है, ए तो ए और बी है, उसने कहा ए बी से 60% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 60, जो ए है तो बी से 60% अधिक है, तो यहाँ कितना है, 160। ये रेशियो में रखेंगे अपन इसको। अब इसने कहा बी सी से 20% कम है, तो बी सी से अगर सी 100% है तो ये कितना कम है, 20%, तो कितना रह जाएगा, ये 80 रह जाएगा। ये अगर हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में कर देंगे। ऐसा सवाल अगर आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, इधर जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप यहाँ बढ़ा देंगे और इस वैल्यू को यहाँ आप बढ़ा देंगे। और ज़्यादा डिटेल में हमें जाना है तो हमें अनुपात और समानुपात की ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, आप उसमें देख लेंगे तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल में पता चल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चनों को हम इसमें करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं, एक जीरो दो जीरो, मतलब दो जीरो ये कट गए, दो जीरो ये कट गए, ये क्या है, संख्या मल्टीप्लाई में है ये संख्या, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में संख्या है दोनों, तो हम इसको इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसमें क्या है कि और काट सकते हैं इसको, कितना काट सकते हैं, इसको काट देते हैं चार से, चार दूनी आठ, चार से काटा, चार दूनी आठ और चार से काटा, है ना, यहाँ आ जाएगा 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 16 दूनी कितने हो गए, 32 हो गए। अब यहाँ हो जाएगा कितना है, यहाँ 20 है और यहाँ कितना है, 25 है, ठीक है। अब वो कह रहा है ए और सी का मान क्या होगा, मतलब ए अनुपात सी का पूछा उसने, तो हम क्या करते हैं, ए अनुपात सी, तो ए का कितना है हमारा 32, अनुपात सी का कितना है 25, तो इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए आंसर, साथ साथ में नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है, हम इतना समझ लेंगे। तो उसने कहा है, क्या कहा उसने, कि पहली संख्या जो है, मान लेते पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, वो कह रहा है तीसरी संख्या से पहली संख्या 20 कम है और दूसरी संख्या 40 कम है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इसको काट सकते, 20 से काटा तो यहाँ आ जाएगा 4, 20 से काटा 3, 20 से काटा तो यहाँ आ जाएगा 5, जो वैल्यू आ गई। अब उसने क्या कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या से पहली संख्या, तो ये मतलब ये दूसरी होगी, ये पहली हो गई, ठीक है ना, तो कितना कम है, एक कम है। अब उसने पूछा कि कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत पूछा, तो अपन क्या कर देंगे, 4 इक्वल इनटू कितना हो जाएगा हमारा 100, 4 से इसमें डिवाइड दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आंसर, तो हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया डी आंसर, आप इसको साथ में ही नोट करते रहेंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका, कर लीजिएगा नोट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, 5:4, तो 5:4 को कितना लिखा जाएगा, 5:4, तो 5:4 मतलब 5/4 इंटू कितना हो जाएगा, ये
100 हो जाएगा, 4 से इसको काटा कितना आ जाएगा यहाँ 25 आ जाएगा, 25 पंचे कितने होते हैं 125 होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कभी कभी तो सवाल आता हुआ भी हमें हमसे गलत हो जाता है, तो इसको भी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगले, ये हमारा टाइप नंबर 6 आ गया। हमने अभी दो टाइप पढ़े, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। इसमें मैं लगभग 3-4 टाइप कवर करेंगे, ये हमारा तीसरा टाइप है, 4 टाइप लगभग कवर करेंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप में कैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति का वेतन। देखिए प्रत्येक टाइप में हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। और आप एक चीज़ और देखें कि प्रत्येक टाइप में मैं 4 से 5 क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो एक देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अंतर जरूर मिलता है, आप उसका जरूर ध्यान दें। इसमें हम करते हैं कि एक व्यक्ति का वेतन, उसने कहा एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया। मान लेते वेतन कितना है, तो मान लेते वेतन 100% है, कोई भी वैल्यू होगी हम उसको कितना मान लेंगे, 100% मानेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ कि वेतन कितना परसेंट है, 100%। उसने कहा पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले 20% बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा ये 120 हो जाएगा, तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिर 20% घटा दिया जाता है, नेक्स्ट में 20% घटा दिया गया तो मतलब हमारा 20% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 00। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 12 का 9 में 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 8 96 आ जाएगा, 96। तो 96% आया। अब हम यहाँ देखेंगे कि 96% आया, टोटल होता है 100%, अब 100 में से 96 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 होता था और 4% का क्या हो गया, कमी हो गई, मतलब क्या हो गया, गिर गया, तो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज मतलब 4% का डिक्रीज हो गया, मतलब कमी आ गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% की वृद्धि मतलब बढ़ जाता है, तो इस वस्तु से होने वाली आय प्रतिशत में कितना परिवर्तन होगा, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो जैसे अभी पिछले वाला सवाल किया था बिल्कुल सेम उसी की तरीके से है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें देखा कि 10% की पहले कमी हुई है तो 90 बटे हो जाएगा यहाँ 100, और फिर 10% की बढ़ोतरी हुई है तो 110 बटे हो जाएगा यहाँ पर 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 11 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 99। इसका मतलब हो गया हमारा 1% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब 1% डिक्रीज, मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार से हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसमें कहा यदि किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या कितनी बढ़ा दी, 25%। फिर उसने कहा तथा प्रति व्यक्ति मजदूरों में 25% की कमी कर दी जाती है, तो परिणाम स्वरूप मजदूर में एक्स प्रतिशत की गिरावट आ जाती है, तो एक्स का मान निकालिए। अब एक्स परसेंट की इसमें क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि 25% जो 25% क्या हो रही, बढ़ रही है, तो कितनी हो गई हमारी है, तो 100% थी, अब 25% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 125। ये थोड़ा सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको समझेंगे। देखिए उसने कहा कि 100% पहले था, इसको देखेंगे, अब इसमें कहा 25% की वृद्धि हुई। फिर उसने कहा कि प्रत्येक, देखो ये क्या है, ये मजदूरों की वृद्धि हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, व्यक्ति मजदूरों में 25% की कमी हो रही है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 25% की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, और यहाँ कितने में से हो जाएगा, ये 100 में से हो जाएगा। इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो यह हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, यह हमारा 10,000 आ गया, और यहाँ
इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 का 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो जा जाएगा 9375 जी आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितनी का अंतर है, पहला इतना था ठीक है, अब गिरावट होकर के ये वैल्यू आ गई, अब इसमें देखो कितने का अंतर हुआ, इसको माइनस कर लो इसमें से, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 625, 10 10 में से 5 गई 5, 10 में से 3 गई 10 में से 7 8 गई 2 और हो जाएगा 10, 10 में से 4 गई हो जाएगा 6 और 0, तो हमारा जी कितना आ गया, ये हमारा 625 आ गया, ठीक है ना। अब 625 अब उसने कहा x परसेंट की गिरावट बताना है अपन को, तो x परसेंट की इसमें गिरावट बताएंगे तो हम क्या करेंगे, x परसेंट को मान लेते हैं अपन, इसमें जो वैल्यू है इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दी है ये 10,000, तो 10,000 में हम क्या कर देंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 625 अपॉन ये हम कर देंगे 10,000 इंटू क्या कर देंगे अपन 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इसमें इसका भाग दे देंगे तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6.25, तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन नहीं है तो इसमें जीरो हटेगा दशमलव, तो यहाँ 100 रहेंगे तो 25 कैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 25/4 इसका आंसर हो जाएगा इसका, तो इसको काट सकते हैं इसको क्योंकि 6 6 चौके 24 और 1 25 हो जाए, हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा 25/4 आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, जैसे 100% है, 100% उसने कहा 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा 125/100 हो जाएगा, फिर उसने कहा 25% घटा दिया जाए तो 25% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, ठीक। अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, ठीक, 25 से काटा 25 थी 75 और 25 से इसको काटा 25 चौके 100, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इसमें कटा किया तो 25 थी 75 और 3 × 3 तो 375, 375 में कितने का भाग देंगे 4 का, 4 का भाग दिया तो 4 × 36 यहाँ बचा 1, 4 × 3 = 12 यहाँ बची 3 और 4 × 7 = 28 और फिर बचेगा 4 × 5 = 20, तो हमारा कितना परसेंट आ गया, ये 93.75% ही हमारा आ गया। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें करना है कि ये 100% से कम है कि ज़्यादा है, तो कम है तो कितना है, तो यहाँ हम देखेंगे 100% में से 100 माइनस कर देंगे 93.75%, जैसे इसको माइनस किया तो आ जाएगा 6.25%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो इसमें हमारा क्या हुआ 6.25% का क्या हुआ डिक्रीज हो गया, मतलब नीचे चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा क्या कमी हो गई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना 6/1/4, अगर ये 0.25 को अपन क्या कहेंगे, पॉइंट हट जाएगा 100 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 6/1/4% आंसर जी आंसर हो जाएगा, ठीक नोट कर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सातवें नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को पहले, अच्छा क्वेश्चन है अच्छे से समझेंगे इसको, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, कितना परसेंट घटाया गया 10%, एक संख्या को पहले 10% घटाया गया तो संख्या कितनी है 100, 100 में से 10% घटाया गया तो कितना रह जाएगा ये हमारा 90, तो 90/100, फिर वो कह रहा है 10% बढ़ाया गया तो 110/100, अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, अब ये हमारा कितना हो गया 99%, मतलब 1% हमारी क्या आ गई कमी आ गई, 1% क्या आ गई यहाँ पर कमी आ गई, ठीक। अब वो आगे सवाल कह रहा है, वो कह रहा है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो 50 कम है मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा,
और अब 50 कम है तो कह रहा वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या हमारी x है, तो वास्तविक संख्या होगी हमारी 100%। इधर हमने वैल्यू मान ली कितनी x, अब इसको सॉल्व कर दो तो एक का इसमें भाग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें हो जाएगा x का सीधा हो जाएगा 5000। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा आंसर 5000। इसको नोट करिएगा पूरा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। उसने कहा एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कितनी कीमत है, एक वस्तु की कीमत है 75 रुपये, तो अपन यहाँ लिख देंगे 75। उसने कहा 20% को बढ़ाया गया और 20% को कम किया गया। अभी तक जितने सवाल हम कर रहे थे उसमें वैल्यू हम मान रहे थे 100%। अब उसने पहले से ही दिए कितना 75 रुपये, तो ये 75 रुपये 100% के बराबर है, तो 75 रुपये। अब 20% बढ़ाया गया तो 120/100, फिर 20% कम किया गया तो 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 थी 75 और 25 चौके 100, 4 से काटा 4 दूनी 8, और 4 से काटा 4 दूनी 8, 12 थी 36, 36 दूनी हो जाएगा 72, तो जो आपका आंसर आ गया कितना 72, मान लो आंसर हो गया ए। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है 100 रुपये। अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं वो वैसे ही क्वेश्चन है। 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की फिर 10% की वृद्धि की जाती है तो कुल वृद्धि रुपए कितनी होगी, तो कुल वृद्धि रुपए कितनी होगी हमें इसको समझना है। तो इसमें हमारा क्या है कि सीधा सीधा हो जाएगा 100%, तो 100% हो गया, दो बार वृद्धि हो रही, एक बार और दो बार, तो दो बार वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा हमारा ये 110/110, नीचे 100 और यहाँ भी नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो से। अब इसमें क्या हो जाएगा, 11 का 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 121, मतलब क्या हो गया 21% ही हमारा बढ़ गया, तो हमारा क्या जाएगा, हमारा आंसर 21% की वृद्धि हो गई। बस छोटा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए, है ना, 8% क्या की गई, वृद्धि की गई, फिर उसने कहा बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई, तो हम क्या करते हैं, 100% माना, कोई वैल्यू है 100% है, इसमें 8% की वृद्धि हुई मतलब 100+R, ठीक है, बटे 100 आ जाएगा, प्लस नहीं इनटू आएगा, फिर उसने क्या कहा 10% की कमी की गई, 100-R/100, ये हमने देखा 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको समझेंगे। इसमें क्या है, एक रूल लग रहा है, उस रूल को देखेंगे कि ए प्लस आर, वो 100+R और 100-R, इसमें क्या हो रहा है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, तो हमारा इसमें ये वाली वैल्यू का पुट हो रहा है, तो इस वैल्यू को पुट हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसका 100 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, नीचे हमारी वैल्यू कितनी है 100, है ना। अब उसने क्या कहा है, यदि वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है, तो वस्तु का 1 रुपये मूल्य है तो 1 रुपये, है ना, आरंभिक मूल्य कितना है x, तो किसके बराबर है वो 100% के बराबर, इसके नीचे क्या है x, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक का इसमें करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी और इसका इसमें करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, वो 10000 हो जाएगा, तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको, हम करते हैं इसको यहाँ करते हैं, देखना है इधर जो हो जाएगा अपना 1000 का जो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10000 माइनस का आर स्क्वायर, ठीक, इसका इसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये 10000, ठीक, बराबर में क्या है 1/x। अब इस वैल्यू को पलट देंगे तो x बराबर, तो वैल्यू हमारी x बराबर में क्या हो जाएगी
जो हो जाएगी पलट जाएगी, तो 10,000 हमारे ऊपर आ जाएंगे अपॉन नीचे आ जाएगा 10,000 माइनस आर का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, छोटा सा सवाल था, थोड़ी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल है, अगर ये फॉर्मूला हमें आता है तो हमारा जल्दी सवाल हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस आर स्क्वायर। इस सवाल को सभी लोग नोट कर लें, पूरा नोट करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा ये टाइप आ गया, टाइप नंबर सी। अभी हमने टाइप फोर्थ पढ़ा है, फिफ्थ भी पढ़ लिया, सिक्स भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सेवन। अब हम सेवन टाइप को देखते हैं। सेवन टाइप का पहला क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप में पांच छह क्वेश्चन है, इसका पहला जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, एक वस्तु की कीमत लगातार दो बार, लगातार कितने दो बार 10% क्रमागत वृद्धि होती है, लगातार दो बार वृद्धि हो रही है उसकी, तो अपन क्या करते हैं पहले इसको इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। 100% बराबर लगातार वृद्धि हो रही है तो 110/100 इंटू 110/100 लगातार वृद्धि हो गई, इसको अपन ने काटा, ये हो गया। अब अपना जो आ गया आंसर वो आया 121, मतलब 21% की क्या हुई, 21% की वृद्धि हो गई। ठीक, उसने कहा पुनः वस्तु को आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। पिछले वाला सवाल जैसे 21% वृद्धि हुई है तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो 121 इंटू कितना, इंटू कितना हो जाएगा 100। अब इसमें क्या है 21, इसमें दो जीरो है, अब दो जीरो 2100 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिवाइड देंगे, तो डिवाइड क्या आएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिएगा, तब तक हम पानी पी लें। कितना आ गया हमारा, इसका जैसे हम इसका डिवाइड देंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 17.36%। आपने दे लिया होगा सभी, तो इसका आंसर आ गया 17.36% आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए 100% है, 100% में 10% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाई गई, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, तो 11 का 12 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 और 12 जो हो जाएगा कितना 132, मतलब 32% बढ़ाई गई, तो आंसर हो जाएगा 32%। ठीक, नोट कर लीजिएगा साथ में ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की कीमत में 25% घट गया और ये 30% बढ़ गया, प्रतिदिन आय का क्या अंतर है, उसने क्या पूछ दिया इसमें, आय का अंतर क्या है, तो सिंपल है, वो पूछ रहा है आय का अंतर है, तो 25 तो 100% मान लेते हैं, क्या है इसका 100%, 100% में 25% घट गया तो यहाँ रह जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 70, कितना 30% बढ़ा है तो यहाँ हो जाएगा कितना 30, मतलब 130 बटा हो जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो, ठीक, एक जीरो से एक जीरो है ना, और यहाँ और काट सकते हैं इसमें, 5 से काट दो इसको, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 से काटा, 5 एकन 5 या 2 बच्चे 25 25, 15 का मल्टीप्लाई 13 में, 13 पंजे होती है 65,
है ना, 13 13 13 13 16 हो गए 19 19 बटे हो जाएगा ये 2 2 का इसमें भाग दे दो, 2 2 9 में 18, यहाँ बचा 1 और फिर हो जाएगा इसका 2 7 14.5। जी आ गया हमारा आंसर। तो इसमें क्या है, 100% से कितना कम है, ढाई ढाई परसेंट कम है, तो अपन इसका लगा देंगे 2.5% डिक्रीज, कमी हो रही है तो 2.5% डिक्रीज। इसको नोट करिएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में क्या है कि 10% की वृद्धि क्रमशः 2 बार है ना, 10% की 2 क्रमिक मूल वृद्धि के बराबर होगी। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 का 10 11 121 हो जाएगी, ये तो हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 10% की क्या हो रही है वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि और फिर अंतिम मूल्य में 33 रुपये है, इसको आप समझिएगा। तो 100% मान लेते हैं और इसका 110 बटे कितना हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 120 बटा कितना हो जाएगा इसका 100 और इसमें 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 इसका मल्टीप्लाई किया तो जाएगा 132। अब वो कह रहा है 30 रुपये है, इसका मूल्य जो है वो कितना है 33, तो 132 बराबर हो जाएगा इसका कितना 33। इसमें अपन क्या कर देंगे 100% बराबर, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे अपन आरंभिक मूल, तो आरंभिक मूल 100% 11 से काटा, 11 3 33 और 11 से काटा 11 1 11 11 2 22 मतलब 3 4 12 और 4 से काटा जो हो जाएगा कितना 25, मतलब x बराबर जो हो जाएगा 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का मूल जब 20% कम किया गया 80% बढ़ा दिया गया तो बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% घटा दिया गया 30% बढ़ा दिया गया, तो इसको आप कर सकते हो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था कि 100 × 20% घट गया तो कितना हो जाएगा ये 80 × 30% बढ़ गया 130 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 है ना, 13 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 13 8 104 ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा 104 मतलब 4% बढ़ रहा है। अब उसने कहा यह क्या है 416 है, उसने कहा वस्तु का वर्तमान मूल्य जो है वो 416 है, तो आरंभिक मूल्य मान लेते हैं 100% होगा और ये 416 है ठीक है, बराबर क्या है हमारा ये एक्स है, इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितनी बार कटा है 4 बार और 4 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 400। बहुत सिंपल है, नोट करिएगा साथ में ही। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे में कितने क्वेश्चन थे, इसमें क्वेश्चन है 55 मतलब 55 क्वेश्चन है, इसमें हमने 55 क्वेश्चन कवर किए। अगला जो टाइप है वो हमारा जो टाइप है वो है टाइप नंबर 8। इस टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, आज हमने जो कवर किए वो कवर किए 4th टाइप 5th 6th 7, हमने 4 टाइप आज कवर किए हैं और इसकी जो पीडीएफ, जो पूरी पीडीएफ है इसकी, वह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पीडीएफ को निकाल लीजिएगा। और जिन छात्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नई चीज़ पूछना है, किसी प्रकार का कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें और उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों के पास यह नहीं पहुंच पा रही है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद, थैंक यू।